हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की मैथ की वर्कशीट नंबर 26 लेके आई हूँ। बच्चों, इसमें त्रिभुज के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला है बच्चों, इसमें दिखा रखा है आपको, हमने एक ABC त्रिभुज की रचना की, ठीक है। ये त्रिभुज बना रखा है, अब इसने क्या कर रखा है, इसकी सभी भुजाएँ बराबर हैं, AB बराबर, BC बराबर, AC, ठीक है। वो मैंने लिख के भी बता रखा है, और तुम्हें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABC का एक समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। एक त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं का माप समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। पहले ही बता दिया मैंने, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोणों का माप भी समान होता है, अगर उसकी भुजाएँ समान होंगी। समबाहु त्रिभुज के बच्चों भुजाएं भी समान होती हैं और उसके कोण भी समान होते हैं। आगे लिखा है, बूझो तो जाने, क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। अब देखो, सारी भुजाएं समान है और टोटल कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, 180, तो इसका मतलब होगा इसकी एक कोण का माप 60 होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, इसने एक त्रिभुज दे रखा है, उसका नाम दे रखा है। अब हमने एक त्रिभुज PQR की रचना की, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, PQ और PR, इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि दो भुजाएं समान हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों, एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं के माप समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों, अब एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, x का मान ज्ञात कीजिए यदि AB बराबर है AC, तो इसका आंसर क्या होगा, AB बराबर है AC। देखो दिख रही है भुजाएं, दो भुजाएं बराबर बता रखी है ना, तो कोण, इसका मतलब है कि कोण CB बराबर होगा कोण BK के, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इसके लिए हमारे को रीज़न देना पड़ेगा, तो x बराबर है 45 डिग्री, यानी कि x का मान निकल गया 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बच्चों, भुजा QR का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण P बराबर है कोण Q बराबर 50 डिग्री तथा PR बराबर है 5 सेंटीमीटर। हमने पहले ऊपर पढ़ा था बच्चों, अगर दो कोण समान होते हैं तो दो भुजाओं का नाप भी समान होता है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में यही तरीका अपनाया जाएगा, कोण P बराबर है कोण Q, तो QR बराबर है PR दिया है क्वेश्चन में, तो PR किसके बराबर कर देंगे, QR के, क्योंकि इसके सामने वाली भुजाएं किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इसलिए और बिना कैलकुलेशन किए इसका आंसर आ जाएगा QR बराबर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस वर्कशीट में दो क्वेश्चन दिए हैं बच्चों आपको, ठीक है। वो अब मैं दोनों क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ। y का मान ज्ञात कीजिए यदि EF बराबर है EG, ठीक है। EF देखो बच्चों, ये रहा EF और ये रहा EG। जब तुम्हें बता रखा है दो भुजाएं समान है, तो दो भुजाएं कौन सी त्रिभुज में समान होती है, समद्विबाहु में, समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती हैं, ये वाली देखो और ये वाली, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे को दे रखा है ये दोनों बराबर हैं, तो पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया है बच्चों, दिया है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, दिया है क्या, EF बराबर है EG, तो कोण F बराबर है कोण G के, जब दे ही रखा है तो इसका मतलब ये 55 डिग्री का है, तो ये भी 55 डिग्री का होगा, क्योंकि इसके सामने है, तो कारण बताना पड़ता है इसमें। ये क्वेश्चन बड़े नहीं होते, सिर्फ इसमें ये लिखना पड़ता है कि किस वजह से, इसकी वजह बतानी पड़ती है। तो लिखेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये बराबर है इसके, तो जी बराबर है वाई के, ठीक है ना, यानी कि ये कोण इसके बराबर होगा, तो जी बराबर है, वाई बराबर है 55 डिग्री। ये था बच्चों पहले का आंसर। दूसरे क्वेश्चन है, भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण A बराबर है कोण B बराबर 40 डिग्री। देखो कोण A 40 डिग्री का है और कोण B भी 40 डिग्री का है, तथा BC बराबर है 8 सेंटीमीटर, ये दिया है हमें, दिया है, जो क्वेश्चन में दिया होता है उससे पहले लिखते हैं। दिया है A, कोण A बराबर कोण B बराबर है 40 डिग्री, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, कोण A और कोण B, जब ये एक बराबर है, कोण A और कोण B बराबर है 40 का, तो AC भी बराबर होगा, ये भी बराबर होंगी आपस में, AC और BC भुजाएं भी, क्यों, क्योंकि दिया है किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं,
ठीक है, अगर कोण बराबर हैं तो उसकी भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी कि ये भी बराबर होगी इसके, इसका मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, यही हमें निकालना था। तो जो इन्होंने दिया है क्वेश्चन में BC बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो हमारा वो निकल गया, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, इसका आंसर ये है बच्चों। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ख़त्म। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।